हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम पहुंच गए हैं कुरुक्षेत्र, जिसे धार्मिक स्थल के नाम से भी जाना जाता है। यहां अनेक दर्शनीय स्थल हैं, तो आज हम आपको कुरुक्षेत्र में स्थित एक श्री कृष्ण संग्रहालय दिखाने का प्रयास करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। ये देखिए, हम पहुंच गए हैं कुरुक्षेत्र के धार्मिक स्थल श्री कृष्ण संग्रहालय में। यह कुरुक्षेत्र में देश का एकमात्र संग्रहालय है। यहाँ हजारों साल पुरानी मूर्तियों के साथ द्वारिका मथुरा में मिले पुरातात्विक श्री कृष्ण के अवशेष मौजूद हैं। ये देखिए कितना हरा भरा मैदान है और कितनी अच्छी पौधों की कटिंग कर रखी है। बहुत सुंदर और बहुत प्यारा दर्शनीय स्थल है। अगर आपके पास समय है तो आप अपना समय निकाल करके अवश्य जाइएगा। कुरुक्षेत्र भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप और महाभारत के धर्म युद्ध के साक्षी कुरुक्षेत्र का श्री कृष्ण संग्रहालय ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक साक्ष्यों को अपने में ही समेटे हुए है। श्री कृष्ण का संग्रहालय एकमात्र कुरुक्षेत्र में ही है और कहीं भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये देखिए श्री कृष्ण के समय की कुर्सियाँ कह सकते हो, बहुत पौराणिक वस्तुएं हैं यहाँ पर। यह संग्रहालय देश का एकमात्र संग्रहालय है। यहाँ श्री कृष्ण की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी, जो लकड़ी से बनी हुई हैं। इस संग्रहालय में श्री कृष्ण, महाभारत और कुरुक्षेत्र पर आधारित साक्ष्यों के अलावा उत्तर प्रदेश के मथुरा, हिसार के राखीगढ़ी, फतेहाबाद जिले के बनवाली से मिले पुरातात्विक अवशेष सुरक्षित रखे हुए हैं। इतना ही नहीं, समुद्र के नीचे डूब चुकी द्वारिका नगरी की दीवार के अवशेष भी यहाँ पर रखे हुए हैं। धरती के गर्भ से निकली हजारों साल पुरानी मूर्तियों के अलावा देश भर में अलग अलग धातु, मिट्टी और कपड़े से बनी श्री कृष्ण की मूर्तियों का संग्रह प्रदर्शित किया जाएगा। ये यहाँ पर एक वर्ल्ड मैप बना हुआ है और बहुत भारी पत्थर से बना रखा है, लेकिन इसकी इस प्रकार से व्यवस्था कर रखी है कि इसको पूरा अच्छे से घुमा सकते हो। ये यहाँ पर भीष्म पितामह की पिक्चर बनी हुई है, जहाँ वो मृत्युशैया पर सोए हुए हैं और यहाँ पांडव उनसे मिलने के लिए आए हैं। ये देखिए, यहाँ उनके रिश्तेदार जो युद्ध से पांडवों की सेना के लोग बचे थे, वो उनसे मिलने के लिए आए हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण की बहुत अच्छी सुंदर सुंदर पिक्चर बनी हुई है। यह संग्रहालय भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित है। इसका भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकट रमन के द्वारा उद्घाटन किया गया था। इस हाउस के दूसरे हिस्से में कुछ अन्य गैलरियां भी हैं, जिसे मल्टीमीडिया या फिर महाभारत और गीता गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 2012 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने की थी। इस संग्रहालय में भगवान श्री कृष्ण के बारे में समस्त जानकारियां प्रदान की जाती हैं।
जिसके सभी स्वरूपों, अवतारों, कार्यों के बारे में बताया जाता है। ये श्री कृष्ण की गोपालक के समय की पिक्चर है, जो गायों के साथ अपना समय व्यतीत करते थे। भगवान श्री कृष्ण को एक दार्शनिक, सच्चे धार्मिक नेता और प्रेमी के रूप में भी कलाकृतियों, मूर्तियों और चित्रों की शिलालेखों के द्वारा दर्शाया गया है। इसमें 6 गैलरी हैं, इस हाउस में 6 गैलरी हैं। पहली गैलरी में हाथी दांत निर्मित भारत के विभिन्न क्षेत्रीय शैलियों की कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। दूसरी गैलरी में पुरातात्विक गैलरी कुरुक्षेत्र, हरियाणा, द्वारिका व मथुरा से प्राप्त पुरातात्विक वस्तुएं एवं पत्थर की मूर्तियों का संग्रह है। यहाँ पर बनावली, कुनाल, राखीगढ़ी, दौलतपुर, जोगनाखेड़ा इत्यादि स्थानों से वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। तीसरी गैलरी में श्रीमद् भागवत गीता पर आधारित पांडुलिपियों का संग्रह, गीता पर आधारित 26 भागवत गीता और राजस्थानी लघु चित्रों के साथ उड़ीसा के पट चित्रों का भी वर्णन है। चौथी गैलरी में क्षेत्रीय कला की शैली निर्मित झांकियों का प्रदर्शन, जिसमें राजस्थानी शैली में भीषम सैया, रासलीला, कर्नाटक शैली में और इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश की चरम निर्मित कठपुतलियों का प्रदर्शन है। पांचवी गैलरी में महाभारत पर आधारित भारत की विभिन्न चित्रकलाओं का वर्णन किया गया है और छठी गैलरी में कृष्ण के जन्म से लेकर गीता उपदेश तक कृष्ण लीला की विभिन्न झांकियों का प्रदर्शन किया गया है। ये देखिए, इसके बाहर से ही श्री कृष्ण की ही पिक्चर बनी हुई हैं। हर जगह इसमें श्री कृष्ण की ही कलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी। बहुत शानदार दर्शनीय स्थल है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।